Hello students, good morning. So dear students, in this video we will discuss about some searching tips. जब हम इंटरनेट पर वर्क करते हैं तो आपके लिए कुछ टिप्स देंगे आज, जिसके थ्रू आपकी जो सर्चिंग है वो काफी ज्यादा बेटर हो सके. फर्स्ट इज, डू नॉट आस्क क्वेश्चंस व्हेन यू सर्चिंग ऑन इंटरनेट. जब भी आप इंटरनेट पर किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं तो डू नॉट आस्क क्वेश्चंस मत पूछिए. जैसे कि मान लो आपको पता करना है होम मिनिस्टर कौन है इंडिया का, देन डोंट राइट हु इज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. क्यों ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, व्हाट इज द रीजन? क्योंकि जैसे कि हमने यहाँ लिखा हु इज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आपका जो ब्राउजर है वो सिंगल सिंगल वर्ड को सर्च करेगा. फर्स्टली वो हु को सर्च करेगा, देन इज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. सो अगर मान लो आपको इस टाइप से वर्क करना है, इससे बेटर आप डायरेक्टली उसमें लिखिए द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. क्लियर? द सेकंड टिप इज सराउंडिंग योर क्वेरी इन क्वोट्स और पुट सम पंक्चुएशन मार्क. जब भी आपको कोई इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप कोशिश कीजिए कि आप उसको या तो क्वोट्स के अंदर डाल दीजिए या फिर आप एक पंक्चुएशन मार्क उसके अंदर यूज कीजिए. फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको यहाँ पे सर्च करना है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, तो आपको यहाँ लिखना होगा गॉड डैश ओ डैश स्मॉल डैश एंड थिंग्स. क्लियर? नेक्स्ट वन इज यूज विल्ड कार्ड फॉर पैटर्न मैचिंग. दैट मीन्स टू से अगर मान लो आपको सर्चिंग करनी है, अगर मान लो हम शॉर्ट वर्ड का यूज करते हैं जैसे कि डायरेक्टरी, अब आपने लिखा शॉर्ट में डायर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर मीनिंग ऑफ डायर डी आई आर, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? ये ऐसे मीनिंग तो काफी सारे हो सकते हैं, डायरेक्टरी हो सकती है या फिर आपका इसके अंदर डायरेक्ट हो सकता है, डायरेक्शन हो सकती है, डायरेक्टर हो सकता है. सो काफी सारे वर्ड आ सकते हैं, इसलिए एक पर्टिकुलर वर्ड को सर्च करने के लिए आप यहाँ पर यूज कीजिए एक विल्ड कार्ड का, और ये है आपका विल्ड कार्ड. देन देखिए आप इसको सर्च करके देख लीजिए, आपको इसमें करेक्ट आंसर मिलेगा. जो इससे रिलेटेड वर्ड्स है उसी की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाए. ये देखिए DIR कमांड, दैट मीन्स टू से, और ये इसकी डायरेक्टरी इन्फॉर्मेशन आपको कंप्लीट मिल जाएगी. और जो डायरेक्टरी है वो नॉर्मली आप अपने डॉस के अंदर यूज करते हैं, जो आपकी MS विंडो के अंदर आपका एक सिस्टम होता है. नेक्स्ट टिप इज द लोअर केस वर्ड मैचेस आर नॉट केस सेंसिटिव. जो आपका लोअर केस होता है वो केस सेंसिटिव नहीं होता, बट वर्ड सेंसिटिव. फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा प्रोग्राम, देखिए आपने शॉर्ट में लिखा प्रोग्राम, तो ये आपका क्या है, सेंसिटिव केस है या नहीं है? लोअर केस जो है वो आपके सेंसिटिव केस नहीं होते. दैट मीन्स टू से जब आप प्रोग्राम लिखेंगे तो उससे रिलेटेड काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी, लेकिन अगर मान लो एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन आपको चाहिए देन आप यूज कर सकते हैं कैप्स का. कैप्स आपका एक क्या है, कैपिटल जो लेटर है वो आपके सेंसिटिव केस होते हैं. देखिए ये देखिए, जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तो ये ओनली प्रोग्राम को ही सर्च करेगा, आप इसको कैप्स में लिखेंगे तो वो समझ जाएगा कि आप प्रोग्रामिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं. द नेक्स्ट इज टू स्पेसिफाई दैट अ वर्ड और अ लाइन मस्ट बी अपियर इन मैचेस डॉक्यूमेंट पुट अ प्लस साइन. दैट मीन्स टू से मान लो कोई डेटा आपको ऐसा सर्च करना है जो डेटा आपका एक दूसरे से रिलेटेड है, तो आप कोशिश कीजिए कि उन दोनों के बीच में एक प्लस का साइन यूज कीजिए. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपने मान लो लिखा किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में, IGU यूनिवर्सिटी, तो आप जब ओनली IGU यूनिवर्सिटी डालेंगे तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज की इंफॉर्मेशन मिलेगी, वो एक दूसरे से रिलेटेड है, तो उसके लिए आप प्लस साइन यूज कीजिए. फॉर एग्जाम्पल मान लो हम बात करते हैं IGU, देन प्लस का साइन आप लगाइए यहाँ पर यूनिवर्सिटी, और ये यूनिवर्सिटी जो है आपकी IGU ये कहाँ है, मीरपुर वाली हमें लेनी है, मान लो और भी कहीं हो सकती है यूनिवर्सिटी है. तब जब आप इसको इस तरह से प्लस साइन में यूज करेंगे तो पर्टिकुलर वही यूनिवर्सिटी और उसी जगह की यूनिवर्सिटी आपको अवेलेबल होगी, आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा. अगर हम ओनली लिखेंगे IGU यूनिवर्सिटी ऑफ मीरपुर, तो वहाँ पर आप देखना काफ़ी सारे अनवांटेड लिंक भी आपको मिलेंगे जो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे. क्लियर? द सेकेंड एंड लास्ट टिप्स इज, अगर मान लो हम स्ट्रेस सर्चिंग करते हैं, कोई डेटा ऐसा है जो सेकेंड वर्ड के साथ मैच नहीं करता, या आपको ये दिखाना है कि द स्पेसिफाई
this word or this line is not match with the related document or with the related word. तो आपको यूज करना होगा एक माइनस साइन. ओके, दैट मीन्स टू से, जैसे कि मान लो प्लस साइन तो हमने किसके लिए यूज किया था, रिलेटेड वर्ड के लिए, एंड यू हैव टू यूज माइनस साइन फॉर नॉन रिलेटेड. कि आपने लिखा एसी एंड चाइना, ये दोनों नॉन रिलेटेड हैं, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, तो आप इन दोनों को जब चूज करेंगे तो एशिया की इन्फॉर्मेशन अलग आपको दिखाएगा एंड चाइना की इन्फॉर्मेशन आपको अलग. क्लियर? सो दीज आर सम टिप्स जो आपके लिए बेनिफिट करेंगी आपकी सर्चिंग के लिए. क्लियर? सो आई होप कि आप इनको यूज करके देखेंगे. सेकेंड टॉपिक इज अबाउट फाइंडिंग द पीपल ऑन नेट. इंटरनेट पर मान लो आपको पीपल फाइंड आउट करने हैं, तो उनके लिए हमारे पास पीपल फाइंडिंग साइट्स है कुछ, जैसे कि एक तो है आपकी www.123.com, एक है आपकी www.addresses.com, एक है आपकी pq.com. ये सभी साइट्स हैं. मैं एक ओपन करके आपको दिखा देती हूँ, जैसे कि www.123people.com. ये वो साइट है जहाँ पर आप पीपल को फाइंड आउट कर सकते हैं इन ऑल द वर्ल्ड. और यहाँ पर आपको नॉर्मल पर्सन नहीं मिलेंगे, जो फेमस पर्सन हैं और जिन्होंने यहाँ पर अपनी आईडी बना रखी है, उनकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ क्लियरली मिल सकती है. आप इसके लिए सिर्फ ओनली साइट ओपन कीजिए. ये देखिए, ये आपको डोमेन परचेज करना पड़ेगा एक्चुअली साइट का, उसके बाद ये साइट आपकी वर्क करेगी. तो ये काफ़ी सारी साइट होंगी. ये देखिए, यहाँ पर आपको इमेजेस सारी इन्फॉर्मेशन, ये परचेज हम नहीं करेंगे. और भी साइट्स हैं, आप ओपन करके देख लीजिए. नेक्स्ट वन इज एफटीपी प्रोटोकॉल. आपका क्या होता है, जो फाइल ट्रांसफर के लिए मैक्सिममली यूज किया जाता है. फाइल ट्रांसफर करने के लिए हमें एक क्लाइंट की नीड होती है और एक हमें सर्वर की नीड होती है. तो एफटीपी प्रोटोकॉल के थ्रू ही यूज किया जाता है. कैसे यूज किया जाता है, हम साइट ओपन करके देख लेते हैं. तो एफटीपी साइट से ओपन करेंगे और वो साइट है हमारी www.ftp.com, या फिर हम यूज कर सकते हैं www.ftpleo.org, या फिर आपका freshnode.org. ये सभी आपकी डिफरेंट साइट हैं जो फाइल ट्रांसफर के लिए यूज की जाती है. एक साइट मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ, ये है आपकी ftp.freestone.com. ये साइट भी एक्चुअली ओपन नहीं हो रही है आपकी, दूसरी साइट ओपन करके देख लेते हैं. अगेन ट्राई करते हैं, हो जाएगा. यस, ये देखिए एफटीपी सर्च ऑनलाइन एफटीपी सर्विसेज, ये आपकी किसके लिए है, ये आपकी जितनी भी फाइल्स आप यूज करते हैं उन फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए यूज की जाती है. और यहाँ एक आपका एफटीपी प्रोटोकॉल सर्वर होता है और एक आपका क्लाइंट होता है. सर्वर आप सबको पता है क्या होता है, एंड क्लाइंट भी, यू नो इट वेरी वेल. तो जो आपको फाइल ट्रांसफर आपकी सर्वर रिक्वेस्ट सेंड करेगा, एंड जो एफटीपी सर्वर है वो आपको क्या देगा, रिक्वेस्ट का आंसर्स देगा, जिसके थ्रू आप अपनी किसी, ये भी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, तो ये आपको डाउनलोड करना होगा. एफटीपी सर्वर ही ये साइट यूज होगी. ये नॉर्मल वर्क के लिए नहीं होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है आप डेटा को अपलोड करने के लिए, यूज करने के लिए, उन फाइल्स को डिस्कस करने के लिए. सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, कल हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस